पे गाने भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो भी मुझे पता नहीं है। जूम पहले आपको दिखा चुका है रवीना टंडन का डर। बॉम्बे वेलवेट के लिए रवीना ने काफी मेहनत की थी, पर अब सोर्सेज ने फाइनल इशारा कर दिया है कि रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म बॉम्बे वेलवेट से रवीना के आधे से ज्यादा काम पर चला दी गई है कैची। पिक्चर इट हैज बिकम लॉन्ग, तो बल्कि मेरे गाने भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो भी मुझे पता नहीं है। हालांकि खुद रवीना को अंदेशा था कि शायद उनके सॉन्ग्स को एडिट कर दिया जाए, इसलिए उनके लिए भले ही ये शॉकिंग ना हो, पर रणबीर कपूर और अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट का वेट करने वालों को ये बात थोड़ा चौंका सकती है कि बॉम्बे वेलवेट को लेकर इतने अप्स एंड डाउन्स की खबरें आखिर आ ही क्यों रही हैं। फिर रवीना का रोल एडिट किए जाने की ये नई कहानी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका रोल बॉम्बे वेलवेट में काफी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा था। रिपोर्टेडली रवीना फिल्म में एक जैज सिंगर का रोल प्ले कर रही हैं और उनका रोल फिल्म में जस्टिफाई हो इसके लिए रवीना के साथ कुछ सॉन्ग शूट किए जाने के लिए रवीना ने कुछ भी अमाउंट चार्ज नहीं किया था। I'm basically just doing it for fun and I didn't even take money for it, so it better be for fun. जब इन लोग आए मेरे पास बॉम्बे वेलवेट ऑलरेडी ओवर बजट हो चुकी थी। पर मदद का ये सिला मिला है रवीना को कि अब उन्हें अपने ही रोल के लिए दुआ करनी पड़ रही है। खैर रवीना को अपने सॉन्ग्स फिल्म से कट करने का जो अंदेशा था वो सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है। अब फिल्म की रिलीज के बाद ही क्लियर होगा कि अनुराग कश्यप की रणबीर कपूर स्टारर बॉम्बे वेलवेट में रवीना को कितनी जगह मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई।